प्रिय विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरीके से बनाया जाता है? तो बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाने के लिए टू मेटेलिक प्लेट्स लेते हैं। ये मेटेलिक प्लेट किसी भी शेप में हो सकती हैं। अच्छा, प्लेटों का शेप कुछ भी हो, दोनों प्लेटें एक जैसी रहती हैं। मान लो एक प्लेट ट्रायंगुलर है, दूसरी प्लेट ट्रायंगुलर रहेगी। एक प्लेट रेक्टेंगुलर है, दूसरी भी रेक्टेंगुलर रहेगी। एक प्लेट सर्कुलर है, दूसरी भी सर्कुलर रहेगी। यानी जो प्लेटें हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, एक ही मेटल्स की बनी होती हैं और एक जैसी बनी होती हैं, और दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है। यहाँ डायग्राम में ये एक प्लेट शो की गई है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है। इसके नजदीक हम एक और प्लेट लेते हैं। ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। दोनों प्लेटों का साइज और शेप सेम रहता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी वजह से इस कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा गया है, क्योंकि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। इनमें से इस प्लेट को कंसीडर कर दिया एक्स और इस प्लेट को कंसीडर कर दिया वाई। अब फर्स्ट प्लेट एक्स को एक चार्ज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जहां से इसे चार्ज दिया जा सकता है। और सेकंड प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इसकी अर्थिंग कर दी और इसको अनचार्ज, यानी इसको चार्ज प्रोवाइड नहीं किया गया। एक प्लेट को चार्ज प्रोवाइड किया जाता है। कैपेसिटर में हमेशा एक प्लेट को ही चार्ज दिया जाता है। जो चार्ज स्टोर होने वाला है वो एक ही प्लेट में रहता है। तो ये चार्ज सोर्स से कनेक्टेड है, ये अर्थ से कनेक्टेड प्लेट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इनको दोनों को कनेक्ट नहीं किया जाता, दोनों के बीच में थोड़ा सेपरेशन छोड़ा जाता है। और सेपरेशन में एयर हो सकती है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, यानी गैप या तो एयर के द्वारा या फिर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के द्वारा फिल किया जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम सपोज यहां से प्लस क्यू चार्ज एक्स प्लेट को प्रोवाइड करते हैं, तो ये चार्ज फर्स्ट प्लेट पर आ जाता है और ये चार्ज इस प्लेट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमने केवल इस सरफेस पर ही शो किया है, होगा तो पूरी सरफेस पर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से वाई प्लेट के इनर सरफेस या नियरर सरफेस पर अपोजिट नेचर का चार्ज, नेगेटिव चार्ज यानी माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है और प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है डिस्टेंट सरफेस पर। आर्थिंग की वजह से ये चार्ज अर्थ में चला जाता है। अब ये चार्ज जैसे ही अर्थ में जाएगा तो इसके ऊपर केवल माइनस क्यू चार्ज बचेगा। पहली प्लेट यानी एक्स का प्लस क्यू चार्ज और वाई प्लेट का माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच में
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में जनरेट हुई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म क्यों है? एक तो इसका सेपरेशन कम है, दूसरा इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सभी की सभी कंडक्टर के परपेंडिकुलर स्टार्ट होती है, परपेंडिकुलर फिनिश होती है, इसलिए परपेंडिकुलर ही सभी लाइनें निकलेंगी और परपेंडिकुलर ही फिनिश होंगी। इसलिए ये जो लाइनें हैं सब पैरेलल होंगी और पैरेलल होने की वजह से इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैपिटल ई कंसीडर करते हैं और प्लेट का एरिया अगर अपन कैपिटल ए लेते हैं, जैसे इस प्लेट का एरिया ए है, इसका भी एरिया ए होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है, फार्मूला जो पढ़ा है हमने, फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा, उसके बेस पर इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से होगा ई इंटू ए, फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो ली जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल है और एरिया भी नॉर्मल है, दोनों के बीच का एंगल जीरो, जो एंगल होगा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का वो सेम जीरो होगा। तो फ्लक्स ई ए होगा और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होती है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसका के लेते हैं तो फाई की वैल्यू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बीच में होगी वो होगी इन दोनों को कंपेयर करके अगर हम कैलकुलेट करें, निकालें, इसको सॉल्व करें तो ई की वैल्यू हमें मिलती है क्यू अपॉन के एप्सिलॉन जीरो ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन दोनों प्लेटों के बीच में। अगर हम इन प्लेटों के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी लेते हैं तो इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें वी इक्वल ई इंटू डी के फार्मूले से क्यू इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन जीरो ए मिलता है। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इंटेंसिटी और जो डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट के इक्वल रहता है, इस वजह से एक्स प्लेट और वाई प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्यू इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन जीरो ए होगी। अगर हम यहाँ चार प्लस क्यू प्रोवाइड करते हैं तो हमें फार्मूला ड्राइव करना है कैपेसिटी के लिए। कैपेसिटी का फार्मूला होता है सी इक्वल क्यू अपॉन बी। आप बी की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो कैपेसिटी की वैल्यू हमें मिलती है क्यू अपॉन क्यू इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन जीरो ए। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, फार्मूला मिलेगा सी इक्वल के एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। ये फार्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए। अब देखिए इस फार्मूले पर हम ध्यान देते हैं तो कैपेसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है ये पता चलता है। एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू है, वैल्यू के ये भी कांस्टेंट है, पर एप्सिलॉन जीरो की हर जगह वैल्यू फिक्स रहती है क्योंकि एयर के ऊपर या वैक्यूम की परमिटिविटी है। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। एक फैक्टर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बोल सकते हैं
ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा फैक्टर, ये तो हमने कांस्टेंट वैल्यू बताई है, एरिया, एरिया जैसे जैसे इंक्रीज होगा, प्लेटें जैसे जैसे बड़ी होंगी, वैसे वैसे लार्ज होंगी, वैसे वैसे कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। अब तीसरी बात आती है इनके बीच के डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कम रखोगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। इस तरीके से कैपेसिटर की कैपेसिटी इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो बच्चों आज अपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है, वो किस तरीके से इंक्रीज की जा सकती है, किस तरीके से डिक्रीज की जा सकती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगले टॉपिक में मैं आपको इसी कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला ड्राइव करवाऊंगा, जिसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कंप्लीटली फिल्ड ना होकर पार्शियली फिल्ड होगा। थैंक यू, गुड बाय।